दोस्तों नमस्कार, आज फिर से आपका स्वागत है संवेग आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड मुख्य परीक्षा एनालिसिस के अगले पेपर के बारे में। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे उत्तराखंड मुख्य परीक्षा का सेकंड पेपर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर। जैसा कि जानते हैं कि ये 200 नंबर का पेपर है, 3 घंटे में करना होता है, और बाकी पेपरों की तरह ही इस पेपर में भी 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और उसमें 20 वर्ड में लिखना रहता है। दूसरा सेक्शन बी है जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर है और आपको 50 वर्ड में हर प्रश्न का आंसर देना है। इसी तरीके से सेक्शन सी है जिसमें 7 प्रश्न हैं लेकिन आपको 5 ही करने हैं, 1 क्वेश्चन 8 नंबर का है और हर प्रश्न में 125 शब्दों में लिखना है। सेक्शन डी में 7 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 करना है और 1 प्रश्न 16 नंबर का होगा, हर प्रश्न में आपको 250 वर्ड लिखने होंगे। आइए देखते हैं उत्तराखंड मुख्य परीक्षा सेकंड पेपर का जो सिलेबस है, इसको मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। एक एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, प्राचीन भारत और जो ये हमारा कला और संस्कृति है। दूसरा मिडिवल या मध्यकालीन इतिहास। तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास। और एक हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का इतिहास। सिलेबस मोर आर लेस जैसा कि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी है। अगर आप 11th की एनसीईआरटी देखें, एंशियंट की, आर एस शर्मा द्वारा जो पुरानी एनसीईआरटी है, उसका जो सिलेबस, उसमें जो मेंशन है, करीब करीब वही सिलेबस इस पेपर में है। इसी तरीके से आप मिडिवल और मॉडर्न जो ओल्ड एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें जो सिलेबस लिखा गया है, कमोबस वही सिलेबस उत्तराखंड इतिहास का जो पेपर है मुख्य परीक्षा में उसमें भी है। जहाँ तक हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिस्कशन करें, सवाल है यूकेपीएससी मेंस 2012 में। एक चीज जो उत्तराखंड में अन्य राज्यों की अपेक्षा आपको अलग दिखाई देगी, जो डिफरेंट है, वो ये पाएंगे कि यहाँ पर तीनों ही जो हिस्ट्री हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इनको बराबर बराबर वेटेज दिया गया। देखिए 2 मार्कर में 1 बराबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। 5 मार्कर में देखें तो 3-3 क्वेश्चन, 8 मार्कर में देखें तो 2-2 क्वेश्चन और 16 मार्कर में भी यही स्थिति है। तो उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा एक ऐसा एग्जाम है जो यूपीएससी या अन्य राज्यों के मुख्य परीक्षा में जो एग्जाम होते हैं उससे इस मामले में अलग है कि यहाँ पे जो सिलेबस में लिखा गया है, बिल्कुल सिलेबस के हर हिस्से को बराबर वेटेज देने की कोशिश की गई है। सामान्यतः देखा जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन उत्तराखंड के केस में देखेंगे कि यहाँ पे एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों को करीब करीब बराबर वेटेज दिया गया। वहीं पे हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड को अगर देखें तो यहाँ से 2 मार्कर में 3 प्रश्न, बाकी 5, 8 और 16 में 1-1 प्रश्न आए। तो इसी तरीके से अगर आप 2016 के पेपर का एनालिसिस करें कि कहाँ से कितने प्रश्न आए, तो स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। हाँ, बस अंतर एक आपको दिखाई देगा कि हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का जो वेटेज है वो काफ़ी बढ़ गया है 2016 में 2012 की अपेक्षा। 2012 में एंशियंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम, जैसा 2016 में देखेंगे कि 2012 की कंपैरिजन में एंशियंट हिस्ट्री करीब करीब एक जैसा ही है। मिडिवल में थोड़ा सा प्रश्नों की कमी आई है, खासतौर से 16 मार्कर का प्रश्न एक कम हो गया, लेकिन देखेंगे कि जो पेपर का नेचर है मिडिवल वाले पार्ट से थोड़ा सा टफ है। 2012 में भी था लेकिन 16 में थोड़ा ज़्यादा टफ था। हम जब तैयारी करते हैं प्रीलिम्स लेवल के लिए, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इतना डेप्थ में चीज़ों को नहीं पढ़ते जितना डेप्थ में मेंस में उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का भी थोड़ा सा क्वेश्चन कम हुआ है, लेकिन 8 मार्कर का ही क्वेश्चन एक कम हुआ है। बाकी देखें तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड का वेटेज बढ़ गया,
16 मार्कर के दो, 8 मार्कर के दो, 5 मार्कर के तीन। तो ये जो वेटेज है ये 2016 में 2012 की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा है, मेडिवल हिस्ट्री को कम करके हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पे ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर हम इसे मार्क्स के टर्म में देखें, नंबरों के सापेक्ष में देखें, तो एंशियंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से 2012 और 2016 में इक्वल मार्क्स 71 मार्क्स। इसी तरह से मिडिवल हिस्ट्री में भी देखेंगे कि 2012 में 71 मार्क्स, लेकिन 2016 में इसका वेटेज घटकर 46 मार्क्स हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में भी 71 से घटकर ये 58 हो गया, लेकिन मिडिवल से इसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी रही। हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में आपको हाई जंप देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2012 में कुल 35 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जबकि 2016 में ये 73 मार्क्स का। कहा जाए कि इन चारों टॉपिक में से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आए, सबसे ज़्यादा नंबरों के जो प्रश्न आए, वो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के इतिहास से आए। तो उत्तराखंड का इतिहास एक ऐसा पार्ट है जिसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर प्रश्नों की प्रकृति देखेंगे, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तो पाएंगे कि जो 2 मार्कर और 5 मार्कर के क्वेश्चन हैं वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको थोड़ा सा प्रयास जो करना पड़ेगा वो 16 मार्कर के लिए करना पड़ेगा, 8 मार्कर के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं थोड़ा सा जो मिडिवल हिस्ट्री है, कुछ पार्ट उधर से भी हैं, जो राजवंश उत्तराखंड के रहे हैं एंशियंट और मिडिवल टाइम में, उनके यहाँ किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था, किस तरीके से आर्थिक स्थिति रही, उससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये पेपर ऐसा तो नहीं कह सकते कि आसान है, क्योंकि जो प्रश्नों की प्रकृति एंशियंट और मिडिवल, एंशियंट का जो यहाँ पे थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, या कहें कि मॉडर्न के बराबर ही है, तो उसके कारण से पेपर टफ हो जाता है। लेकिन इस पेपर की तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम लोगों ने एक और वीडियो, बुक्स फॉर हिस्ट्री, उत्तराखंड पीसीएस प्री और मेंस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके लिए एक अलग से वीडियो है, बुक्स फॉर हिस्ट्री। इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में इतिहास के लिए मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा के हिसाब से कौन कौन सी किताबें उपलब्ध हैं, और कितना कम किताबें पढ़कर आप इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखें कि पेपर में अगर कोई प्रश्न आपको ऐसा लगता है कि जो आउट ऑफ द वे, जहां से इतने बड़े प्रश्न, जहां से इतने टफ प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए थे, उसको बहुत ज़्यादा तैयार करने की जो है के लिए परेशान नहीं होना चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न में आपको ऑप्शन भी मिलता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने के चक्कर में, जो सामान्य मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं, या अन्य पार्ट जहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, वो कमज़ोर हो जाए। तो अगर आपके 1-2 प्रश्न नहीं कर पाते हैं, या खासतौर से बड़े प्रश्न में आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन रहते हैं कि 7 में से 5 ही करने हैं, तो अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कर सकें। और ये उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में 2012 और 16 का पेपर देख के, हिस्ट्री का पेपर देख के ऐसा ही लगता है कि ये कठिन पेपरों में से एक है, चूँकि इसमें एंशियंट से भी काफ़ी प्रश्न हैं, मिडिवल से भी काफ़ी प्रश्न हैं। तो काफ़ी सोच समझ कर एक प्लान बनाकर हिस्ट्री की तैयारी करें, और ये एक आसान विषय है जिसे आसानी से आप स्टैटिक सब्जेक्ट है, एक जिसमें करेंट अफेयर बहुत गुंजाइश नहीं है, तो इसको आसानी से तैयार करके और अच्छे मार्क्स पाए जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।